लाक्षागृह बरनावा पर व्याप्त समस्याओं का जायजा लेने के लिए आज उप जिलाधिकारी क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया। एसडीएम सुभाष सिंह, सीओ युवराज सिंह आज बरनावा लाक्षागृह पहुंचे। यहां पर उन्होंने उस प्राचीन गुफा को भी देखा जिसका प्रयोग महाभारत काल के समय सुरक्षित बच निकलने के लिए पांडवों ने किया था। इसके अलावा टीले पर स्थित प्राचीन गुंबद को भी देखा। इन स्थानों को सुरक्षित रखने बाहरी व असामाजिक तत्वों द्वारा इतिहास की धरोहर से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, इसके अलावा टीले का कटान ना हो, इसके लिए एसडीएम व सीओ ने ग्राम प्रधान को भी दिशा निर्देश दिए। याद दिला दे, तत्कालीन प्रदेश मंत्री रहे नवाब कोकब हमीद ने लक्षाग्रह बरनावा को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, लेकिन उसका विकास आज तक उस तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। एसडीएम सुभाष सिंह ने बताया कि निरीक्षण दे दौरान उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर को भी ऐसा जो कि सुखद अनुभवी देता है। रिपोर्टर वीरेंद्र तोमर, बागपत। एसडीएम साहब, आज लाक्षागृह पाए, आज क्या निरीक्षण किया जा रहा था? ये माननीय पंचायती राज मंत्री जी श्री भूपेन चौधरी जी आए थे, तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें हम लोग बॉर्डर पर छोड़ने आए थे, मेरठ बॉर्डर पर। तो फिर यहाँ चूँकि यहीं बरनावा के बाद हमारा बॉर्डर समाप्त होता है, तो उसके बाद फिर हम सीओ साहब सोचे कि ऐतिहासिक धरोहर है, इसका भ्रमण कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो यही घूमने आए हम लोग। अच्छा सर, क्या देखा जो लाक्षागृह की जो पुराने, अब जो यहाँ ऐतिहासिक अवशेष है उसे देखा गया? जैसे यहाँ का जो सुरंग है या मंडप यहाँ जो है या ये दबा हुआ कुआं है, यही सब ऐतिहासिक चीज़ें देखी गई।